चलो गाइस, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, वैसे कैरेक्टर, इस कैरेक्टर का साइड व्यू कैसे बनाए। अभी साइड व्यू बनाने के सबसे पहला पार्ट क्या है कि मुझे ना इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, जैसे मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा एक पार्ट, यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने कलरफुल कर दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कैरेक्टर बनाना है। कैरेक्टर बनाने से पहले मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि उसका मुझे फंडा क्लियर हो, परस्पेक्टिव क्लियर हो, उसका मुझे स्केच क्लियर हो कि भाई मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ, कैसे चीज़ को मैं दिखाने वाला हूँ। लाइन के साथ मैं अलाइनमेंट दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने देखा मैं शेप कैसा है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेजरमेंट मुझे यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो मैं जो भी कोई काम करने वाला, न्यू लेयर पे काम करता हूँ, बी फॉर ब्रश, ठीक है। साइज को छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कलर, जैसे मुझे यहाँ पे वो भी एक आउटलाइन कलर देना है, तो मैं एक आउटलाइन कलर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। साइज छोटे के, अभी यहाँ पे मैं शेप्स कैसे जा रहा हूँ, शेप्स को समझो। अभी जैसे मुझे यहाँ पे अगर कोई आइडिया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा पार्ट। अभी ये एक मेजरमेंट अगर आपको मैं दिखाऊँ कि मैंने एक सिंपल सा शेप लिया है, जैसे सपोज रेक्टेंगल लिया मैंने, इतना पार्ट मैं बस यहाँ पे इतना पार्ट मैंने लिया। इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी वी प्रेस करके यहाँ ले आया, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अब जितने बड़ा मेरा हेड होता है, अगर मैं थोड़ा सा एनाटॉमी की बात करूँ, तो फ्रंट से जो आपका हेड देखेगा, साइड से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो बी प्रेस करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शीघ्र थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँगा। जैसे सेफ है मेरे पास यहाँ पे, अभी बस कार्टून कैरेक्टर के स्टेप है, इस टाइप से है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइज वाला पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा मैनेज करो। आइज के बाद कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। तो ये आइज वाला पार्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरे पास ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आता है मैं, ठीक है। नोज वाला पार्ट कहाँ, यहाँ तक है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एनआउट में इस चीज़ को तो देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे नोज को ऐसे पार्ट निकाल दूँगा यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैं ऐसे क्यों कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अगर आइडिया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम कर पाऊंगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे मैनेज किया, देखा मैं दिखा, इसके बाद आपका मूस वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट नोज के बाद, नोज ऊपर है, ठीक है, बिफोर ब्रश, ठीक है। नोज के बाद आप यहाँ पे देखो कि ये पार्ट आपका अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे, और देन इसके बाद आपका मूस वाला पार्ट ये ऐसा थोड़ा सा साइड में आने वाला है, ये काइंड ऑफ। यहाँ पर फिर से देखो कितने पार्ट तक है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट आपने यहाँ से यहाँ तक दिया, ठीक है। ये पार्ट हल्का सा अंदर, ठीक है। लिप्स वाला पार्ट विजुअल नहीं है, ठीक है। विजुअल नहीं है तो मतलब मैं यहाँ पे इसको, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं हटा दूँगा। लेकिन हाँ, वो मुझे थोड़ा सा बेसिक शेप देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे। अभी ये चिन वाला शेप, अब चिन वाला शेप में क्या होता है, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट में है, तो कॉन्सेप्ट में कई लोग ये ऐसे टिल्टेड बना देते हैं यहाँ पर ऐसे करके। अभी ये चीज़ मेरे पास, मुझे फंडा क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे बना रहा हूँ। बनाने का लाइक मोटिव मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। अभी साइड में आइज कैसे होती है देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने क्या, साइड के आइज के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे मैंने ऐसे करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। नोज वाले शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा। ये काइंड ऑफ ऐसे करके मैं थोड़ा सा इन चीज़ को कवर करके यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं उसको ऊपर का लाइन दिखा यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इधर का पार्ट तो वहाँ से ब्रॉड होगा यहाँ पे। पीछे का शेप कैसे आ रहा है यहाँ पे, आपको स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रख सकते हो आप यहाँ पे हल्का सा, इनको थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, कर्व मैनेज करके आप ऐसे करके दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक का शेप आपका मिल जाएगा। उसका साइड का शेप आपको देखना है भाई, टॉर्सो वाला पार्ट कैसा होता है। जैसे टॉर्सो वाला पार्ट में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल आप सर्कल वाइज प्ले करो, ठीक है। एक सर्कल ऐसे प्ले करो, ठीक है। एक सर्कल आपने ऐसे प्ले किया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सिंपल पार्ट अगर आपको दिखाओ यहाँ पे आपका स्ट्रंट यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका ये सर्कल आपके यहाँ पे लेग वाले पार्ट के लिए आपका ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट आपका यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ काम करना, तो यहाँ से मैंने शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ इस टाइप से मैं थोड़ा सा देने वाला हूँ शेप्स को, कुछ मैं इस टाइप से दिखाने वाला हूँ कि थोड़ा सा इस टाइप से मैं मैनेज कर दूँ कि मुझे रफली, अगर मुझे कुछ एक ड्रॉ करना है तो वैसे एक रफली एक आइडिया मिलना चाहिए कि मैं वैसे ऊपर का टॉर्सो आपका ब्रॉड होता है, तो टॉर्सो आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो। चेस्ट वाली लाइन कौन सी है देखिए, यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, ये चेस्ट वाली यहाँ पे। तभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने बिफोर ब्रश, ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिया, ठीक है। और ये काइंड ऑफ यहाँ से हल्का सा अंदर, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे कंट्रोल लाइन से कल नहीं दिखा, अभी ये मैं ऑफ करके यहाँ पे दिखा, ठीक है। ये पार्ट फिर ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। पीछे का शेप आपका ऐसा होगा। अब ये कैसे माइंड में आएगा, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे कैसे माइंड में आएगा, जब एनाटॉमी का आपका फंडा क्लियर हो, जब आप एनाटॉमी को थोड़ा सा स्टडी करके चलोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे ऐसे आएंगी, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चीज़ों को कैसे मुझे मैनेज करना है, तो वो चीज़ मैं देखने वाला है कि यहाँ पे हिप वाला पार्ट, हिप वाला पार्ट कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रफली जब आप एक शेप को देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलने वाला है भाई कैसे हम चीज़ को बना सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फिर
तो चीज़ को बनाने का एक प्रोसेस पता होना चाहिए, मैं कैसे चीज़ को बना पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने किया एक बेसिक का शेप दिया, मैंने यहाँ पे ये नोज वाला पार्ट यहाँ पे तो मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मूस वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे ऐसे को दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा लेयर पे, ये पार्ट इसी लेयर पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके इरेजर में मैंने एक रफली कैरी लेता तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर देता, तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया। ठीक है, ऑपेसिटी एंड बाकी सब चीज़ें मैं कुछ यहाँ पे गिवन यहाँ पे, तो काइंड ऑफ मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास एक बेसिक से फ्रंट है, फ्रंट से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसके लिए एक चीज़ और आपको बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ क्या है, एनाटॉमी स्टडी करो। जब तक आप यहाँ पे जैसे कार्टून कैरेक्टर सी एच ए आर ए सी कैरेक्टर टर्न अराउंड करके सर्च करो, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो, देखो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, बॉडी के स्ट्रक्चर को आप देखो, जैसे मुझे कैसे, जैसे मुझे सपोज मुझे इस टाइप से कैरेक्टर बनाना है, तो इस टाइप के कैरेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, सपोज मुझे दिखाना है मेरा जो कैरेक्टर वो साइड व्यू से कैसा हो, तो ये मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे अपने कैरेक्टर को कैसे दिखाना है। सपोज मैंने क्या, मेरे को थोड़ा सा फैटी कैरेक्टर दिखाना है, ठीक है, फैटी कैरेक्टर दिखाना है। अभी ये इसी को फैटी में देखा, साइड में कैसे दिखा, ये सिंपल बट इधर से थोड़ा सा निकला हुआ, ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टर से थोड़ा सा देखो। ये मेन चीज़ आपके पास, आपको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट सोचना है कि भाई ओल्ड है तो ओल्ड का ओल्ड एज का कैसा है, बैंड दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, शेप्स को कैसे आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा फिट दिखाना है, फिट में कैसा दिखाना है भाई, सिंपल द पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जब कैरेक्टर को जब ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करते हमें इन चीज़ का ध्यान देना होता है, फीमेल कैरेक्टर कैसे दिखाना है, लुक एंड फील कैसा है, जो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। बैंडिंग में देखो कैसे सिंपल से कर्व्स के साथ डील किया है, कि अगर आपको ऐसे कुछ दिखाना है आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो। तो फ्रंट के बाद अगर साइड पे थोड़ा सा स्टडी करते, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, पेंट स्क्रीन कर दिया, स्विच टू फोटोशॉप, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक न्यू ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, वी प्रेस करके मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज ये पार्ट ऐसा लिया और मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ। अभी बस फ्रंट कैरेक्टर का मुझे अगर आइडिया है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो फ्रंट कैरेक्टर को साइड कैरेक्टर कैसे डील करने वाला हूँ, तो ये मुझे इमेजिन करना पड़ेगा भाई वो पार्ट कैसे आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कर्व कैसे दिखाएं, यहाँ पे फ्रंट में से साइड में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उसको कैसे बताने वाला है। तो ये देखो, जैसे आपको मैं पहले भी कह रहा बता चुका हूँ कि आप लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखो किसी भी रेफरेंस को देखो, पहले यहाँ पे रेफरेंस को देखो, उसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे आपको आइडिया मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट को समझो, आप को समझना है क्या है, आपका जो कैरेक्टर है कैरेक्टर का लुक एंड फील क्या है, किस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, किस टाइप से चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपको आर्क को समझना है, आपको देखो फ्रंट में आर्क नहीं दिख रहा, साइड में आर्क दिख रहा, तो आपको आर्क और बैंड को समझना है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो कार्टून के अकॉर्डिंग कार्टून का आपको लुक एंड फील लेना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आप एनाटॉमी पे जाते हो कैरेक्टर के एनाटॉमी को, जैसे रियलिस्टिक कैरेक्टर हमने जो देखा तो सर रियलिस्टिक का ही कॉपी का एक पार्ट दे रखा है, ठीक है, तो ये शेप के यहाँ पे मैं ऐसे कुछ करके दिखा सकता था, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे आइस का देखो शेप कैसे दे रखा है, आइस का शेप ऐसे कुछ दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे तो होता थिकनेस, ये साइड में ग्लासेस, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे चीज़ों को मैनेज कर रखा है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे को शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो मैं कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। किसी चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये साइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने अगर कोई चीज़ ड्रॉ किया तो कैसे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये पार्ट में यहाँ पे कैसे काम करता हूँ, अभी ये चीज़ मैंने बनाया तो ये इमेजिन करके बनाया कि अभी ऐसा कुछ पार्ट है कि कैसे हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं।